आपण देखिले पाटना सहरर स्थिति। एबे आसंतु जिबा नालंदा मेडिकल कॉलेज दबंग हॉस्पिटल को जे मेडिकल परे सारा राज्यर लोक माने निर्भर करथंती। चिकित्सा पई भिड़ लागतुबा ए मेडिकल एबे खाली पानी आ पानी हॉस्पिटल भितरे लहड़ी मारुछि। आंठो इंचर वर्षा जल आईसीयू इमरजेंसी वार्ड सबु किछि पानी रे बुड़ी जाइछि। रोगी सेवा संपूर्ण बाबरे बाधा प्राप्त होइछि। आईसीयू रे थिबा रोगी को अन्यत्र स्थानांतरित करा जाइछि। इमरजेंसी वार्ड भी खाली काहेकि ना एते पानी जे रोगी को चिकित्सा करबा एक प्रकार असंभव होइ पड़िछि। मेडिकल आगरे अंटाए उंचर पानी अघटन आशंकर विद्युत सराबराह छिन्न करा जाइछि। जे केते जन रोगी रहिछन्ति सेबारे केवडे जाइ न परि सेठरे पड़ि रहिछन्ति। पटना में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है और हम अभी मौजूद हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यह इमरजेंसी वार्ड है, लेकिन घुटना भर पानी हो जाने के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और इस इमरजेंसी वार्ड में आने वाले लोग अब धीरे धीरे बिना इलाज कराए हुए वापस जा रहे हैं। और यह आईसीयू वार्ड है जहाँ हार्ट अटैक होने के बाद लोग यहां पर पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन यहां पानी भर गया है जिसकी वजह से यहां पर जो मरीज भर्ती थे वो खाली करके जा चुके हैं। कुछ मरीज हैं जो अभी भी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जो भी यहां पर मशीनें लगी हुई हैं पानी बढ़ जाने की वजह से सब बंद है। इलेक्ट्रिक बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो जाए, किसी को करंट ना लग जाए। ये बताइए, ये तो जब हार्ट अटैक होता है तो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन ये तो पूरा पानी में तब्दील हो गया है, पूरा तालाब बन गया है। हाँ तो बन गया, वो टोटल पटना डूब गया। अब आईसीयू को हम क्या बोले, पटना तो डूब गया ना, टोटल हॉस्पिटल क्या पूरा पटना डूब गया है। अब पेशेंट को हम लोग पेशेंट का हिद में उसके अटेंडर आए हुए तो वो लोग बोल रहे ड्यूटी ऑन रिक्वेस्ट दे दीजिए, बरसात पानी खत्म होने के बाद हम लोग आएंगे। यहाँ जो मरीज लोग भर्ती था वो लोग जा चुके हैं। अभी तीन पेशेंट को डीटी ऑन रिक्वेस्ट करके हम घर भेज दिए, बाकी जो बच्चा एक ही टू। काफी परेशानी हो रही होगी। हाँ बहुत परेशानी है इनको, बहुत परेशानी है इनको। और इलाज चल रहा था, पानी की वजह से इलाज बंद हो गया। सब मशीन भी बंद पड़ा हुआ है। हाँ सब मशीन बंद है, लाइन की वजह से पूरा रूम में करेंट आ गया। अभी भी बारिश लगातार जारी है और पानी बढ़ने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। इमरजेंसी पूरी तरह से ठप है और जो लोग भी यहां पर इलाज के लिए पहुंचने वाले थे शायद अब उनका इलाज नहीं हो पाएगा क्योंकि पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। और जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है वहां पर भी पानी आ गया है। इमरजेंसी पूरी तरह से ठप है और इन तस्वीरों को भी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पहुँचने वाले मरीजों को किस तरह की परेशानी होती होगी। यह इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर लोग भर्ती हैं, इनकी तबीयत खराब हुई थी, इमरजेंसी में यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन इमरजेंसी खुद ही तालाब में तब्दील है। काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी है सर, बहुत परेशानी है। पानी पूरा भर गया है, पूरा मेडिसिन नहीं मिल रहा है सर, कुछ नहीं हो रहा है। अब इसमें बहुत दिक्कत है, अब क्या कह रहा जाए। अब इमरजेंसी में तो अब सब झेलना ही पड़ता है। डॉक्टर साहब भी नहीं आ रहे हैं पानी में, उनको भी परेशानी हो रहा है पानी में आने के। तो पानी होने की वजह से डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं और जो मरीज भर्ती हैं उनका इलाज कैसे होगा इसको लेकर समस्या है। कल रात से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ है और लगभग 2 बजे करीब में इसमें इस वार्ड में पानी घुसा हुआ है। कल रात से हम लोग सभी को जगे हुए हैं और यहाँ पेशेंट को काफ़ी तकलीफ हुई है। कुछ पेशेंट को ऊपर शिफ्ट किया गया है पर ब्रांडे में सोया गया है और कुछ का वहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा है ठीक से, डॉक्टर भी नहीं है, केवल नर्स आके इंजेक्शन देकर जा रही हैं लोग, काफ़ी तकलीफ हो रहा है। डॉक्टर नहीं आए इलाज के लिए? ना कहाँ आ रहे हैं डॉक्टर, डॉक्टर आ ही ना रहे हैं। पानी दुनिया के वार्ड में एकदम मरीज एकदम परेशानी में पड़ा हुआ है, तब उखाई मैडम आते हैं बस सुइया देकर चल जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इमरजेंसी में पहुँचे हैं इलाज कराने के लिए उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। और जो भी यहाँ पर भर्ती हैं उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि पानी बढ़ने की वजह से डॉक्टर यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, सिर्फ जो नर्स हैं वो लोग आ रही हैं, देखकर चली जा रही हैं। ऐसे में जो भर्ती मरीज हैं इनका इलाज कैसे होगा। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।